हेलो डियर साथियों, स्टूडेंट हेल्प में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो डियर साथियों, बात करने वाले एसएससी जीडी 2019 के लिए। साथियों, आपके एसएससी जीडी 2019 के मेडिकल चल रहे थे, लेकिन साथियों कल 13 तारीख को आपके मेडिकल से पूरे समाप्त हो गए। ठीक है, जिनका मेडिकल हो रहा था उनके मेडिकल साथियों समाप्त हो गए हैं। तो साथियों, एसएससी ने पूरी नोटिस जारी कर दी है, ऑफिशियल नोटिस साथियों एसएससी जीडी ने जारी कर दी है, फाइनल रिजल्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो जिस चीज़ का साथियों आप लोगों को डर था साथियों, आखिर वैसी उसी रिगार्डिंग साथियों एसएससी ने नोटिस जारी कर दी गई है। तो साथियों, इस नोटिस का मोटिव और इस नोटिस का मतलब क्या है, तो इस नोटिस का मतलब साथियों समझाने वाला हूँ। तो वीडियो पूरी एंड तक देखना, तभी आप वीडियो समझ पाएंगे। ठीक है, तो हेलो गाइस, वीडियो अभी लाइक कर देना। अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाना एसएससी जीडी की पल पल अपडेट पाने के लिए। साथियों, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि रिपोर्ट, एक सेकंड यहाँ पे नीचे कर सकता हूँ इसको, और रिपोर्ट स्टेटस रिपोर्ट आना 13/2020। अब रिजल्ट टू बी डिक्लेयर बाय द कमीशन, मतलब कि 13 तारीख तक जितने भी रिजल्ट साथियों डिक्लेयर किए गए हैं कमीशन की तरफ से, एसएससी कमीशन की तरफ से, उतने रिजल्ट साथियों नोटिस जारी कर दी गई। अब देखता हूँ कि इसमें एसएससी जीडी के लिए क्या मतलब कि बुरी खबर है। ठीक है, तो साथियों सबसे नीचे पहले चलता हूँ मैं। ठीक है, तो आपको नोटिस मैं नीचे लिंक के दे दी हूँ डिस्क्रिप्शन, वहाँ इस नोटिस को साथियों पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो साथियों एक तरफ आपका दिया है कि रिमार्क्स, मतलब आपके जो रिमार्क्स हैं वो कब जारी किए गए, एक तरफ लिखा टेंटेटिव डेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, मतलब कि जो रिजल्ट की तारीख मतलब अभी है वो कब तक की है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को ध्यान देना है आपको, नीचे आना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो लास्ट साथियों रिजल्ट जारी किया जाएगा वो जारी किया जाएगा सीजीएल का। ठीक है, सीजीएल पेपर सेकंड का, पेपर थर्ड का। ठीक है, तो जो लास्ट मतलब कि रिजल्ट जारी किया जाएगा वो 8 मई 2020 को साथियों आपका लास्ट रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो आपका जो साथियों लास्ट रिजल्ट जारी करने की तिथि साथियों है वो 8 मई है। ठीक है, तो अभी इसकी डेट कोई नहीं आई है। ठीक है, इसकी डेट कोई नहीं आई रिमार्क्स जारी करने की। तो अब बात करते हो साथियों जो लास्ट रिजल्ट आपका जारी हुआ है। ठीक है, 21 नंबर पर देखेंगे, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस CAPF एंड ASI इन CISF एग्जामिनेशन 2018 सेकेंड पेपर का। ठीक है, तो ये साथियों सेकेंड पेपर का जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है वो 3/2/2020 को हुआ है। ठीक है, तो अब साथियों यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एसएससी जीडी के रिगार्डिंग कोई भी चीज़ ये नहीं बताएगी। ठीक है, पूरी नोटिस आप देख लेंगे नीचे तक, एसएससी जीडी के रिगार्डिंग कोई भी मतलब कि डेट नहीं रखी गई कि एसएससी जीडी का रिजल्ट जो है फाइनल वो कब जारी किया जाएगा। ठीक है, तो साथियों अब मैं मान के चलता हूँ इसमें तो साथियों कहीं नहीं दिया गया पूरे 31 नंबर, जो 32 नंबर का साथियों नोटिस आएगी 32 नंबर पे, वो साथियों आपकी नोटिस आएगी एसएससी जीडी की रिगार्डिंग। ठीक है, एसएससी जीडी का रिजल्ट रिजल्ट साथियों मई, अगर ये लास्ट रिजल्ट है साथियों तो मई के बाद साथियों जून में आपका फाइनल रिजल्ट मतलब कि जारी करने की कोई तिथि आ सकती है, एक्सपेक्टेड है। ठीक है साथियों, तो ये रहा पूरा साथियों इस नोटिस का मतलब कि यहाँ पे एसएससी जीडी की रिगार्डिंग कोई भी नोटिस नहीं जारी की गई है, और एसएससी जीडी के साथियों रिजल्ट अब लटक जाएगा फाइनल। अब साथियों आपका मतलब कि जो है जिनका रीमेडिकल साथियों हो जाएगा उसके बाद साथियों रीमेडिकल भी साथियों यहाँ पे मतलब कि अटक सकता है, क्योंकि साथियों मुझे लगता है कि यहाँ पे दोनों का साथ रिजल्ट जारी करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो साथियों ये पूरा नोटिस का मतलब था। तो एसएससी जीडी का रिजल्ट साथियों काफ़ी लंबे समय तक के लिए लटक जाएगा, तो आप लोग साथियों घबराना नहीं, डिमोटिवेट मत होना, नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करना, क्योंकि आपका सिलेक्शन यहाँ पर श्योर हो ही गया अगर मेडिकल आपका हो गया। तो चलिए साथियों इस वीडियो के अंत तक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।